मैं न्यूयॉर्क में हूँ, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने। ये सेंट्रल पार्क है। हम अपनी एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। ये हमारी प्रोडक्ट जो हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट की है, सॉल्ट, पिंक के सॉल्ट के नाम से। इसमें देखिए बॉडी स्क्रैप भी है ये, और बाथ सॉल्ट भी है, और ये खाने का नमक भी है, और हर तरह की इसमें फ्लेवर मौजूद है। ये मेरे बेटे दानियाल ने अमेज़न पे रखी हुई है सारी प्रोडक्ट यूएसए में, और ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए पिंक ए सॉल्ट कंपनी में। हमारी पिंक ए सॉल्ट कंपनी अमेज़न में ओपन की है हमारे बेटे ने, वहां से इंपोर्ट किया है पाकिस्तान से ये ऑर्गेनिक चीजें, और हमने उसमें अमेज़न पे सेल के लिए रखी है। तो आप लोग देखें, ये पसंद आए तो इसके ऑर्डर दें, आपको घर बैठे सब चीजें मिल जाएंगी। माशाल्लाह ये अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और खालिस प्रोडक्ट है ये, और ये ट्रम्प साहब का टावर है सामने जो आपको दिखा रहा हूं। यहाँ बड़ी अच्छी सेल हो रही है अमेज़न पे इसकी, इस प्रोडक्ट की, पिंक ए सॉल्ट के नाम से जो प्रोडक्ट है इसकी। तो आप लोग भी इसको यूज करें, इस प्रोडक्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें सेंट्रल पार्क के मेन गेट पे ही कबूतर खाना खा रही है सारा, इनको ये दाना डाला है। ये मेन गेट है अपना, लोग जोग दर जोग यहाँ आते हैं। हलाल फूड है, यहाँ से भी मैं जायरो लेता हूँ। देखें मैं अब बताऊं कि बाइसिकल क्यों ली। ये मैनेथन में 59 स्ट्रीट पर है, बहुत बड़ा पार्क माशाल्लाह। तकरीबन साल में 40 मिलियन के करीब लोग यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं इस पार्क में। ये 843 एकड़ पर मोहित है, 843 नफूस पर ये मोहित है। इसका रकबा 843 एकड़ है इस पार्क का, और ये पार्क 1857 में स्टार्ट हुआ है ये पार्क। इस पार्क में बहुत बहुत सी खूबसूरत जगहें, बड़ी यादगार जगहें हैं। और आप बताएं कि जब 843 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल हो और 93 किलोमीटर वॉकिंग है इसका, इसका लंबाई जो है 93 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और 58 माइल्स है इसमें, इसके पार्क की 58 माइल्स यहाँ पर। ये न्यूयॉर्क का इतना बड़ा पार्क है कि इसमें तकरीबन 81 तो प्लेग्राउंड है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा आपको आगे ले जाके, क्योंकि साइकिल तो ले ली है मैंने। और इसमें 2 स्केटिंग रिंक्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, स्ट्रॉबेरी फील्ड भी है, बोट्स हाउस भी है, और बहुत सी फेमस चीज़ें हैं, फाउंटेन बेशुमार हैं यहाँ पर। तो अब मैं चलता हूँ और आपको
बताता हूँ आगे ले जाकर। देखिए मैं आपको अभी ये बग्गी की सवारियाँ बताता हूँ। ये बग्गी वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा सेंट्रल पार्क में छपरी करवाते हैं, हर जगह ले जाते हैं, और जितने भी यहाँ अच्छी जगह है, अट्रैक्शन है, वो दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, देखें बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। ऊपर से भी लोग गुजरते हैं सवारी है, और नीचे से भी जाते हैं। पूरा मेरे पास गाइड मैप है, मगर मैं अभी तो समझ लो कि 10% भी कवर नहीं कर सका हूँ इसका, पूरे पार्क को। इतने बड़े रकबे पे फैला हुआ है ये। यहाँ पे जो इनके जितने हीरोज हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके मुजस्मे नस्ब किए गए हैं। ये कोलंबस है जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया था। अमेरिका डिस्कवर इन्होंने किया था कोलंबस ने, क्योंकि जहाज रानी का ये बादशाह सब ज़्यादा था भी, तो इसने ये डिस्कवर किया यहाँ पे कोलंबस ने। इसी तरह आगे बेशुमार मुजस्मे हैं जिन जिन की खिदमत है, जो जो यहाँ पे इनके हीरो गुजरे हैं, उन सब के यहाँ मुजस्मे हैं लगाए इन्होंने। जाने भी देखें पुलिस का लगा हुआ है, और इस तरफ भी है। वाल्टर स्कॉट, ये वाल्टर स्कॉट है, इनका मुजस्मा है देखें, वाल्टर स्कॉट साहब का। ये इनकी तफसीलात भी है। ये पार्क का यहाँ से भी नज़ारा कहें बोट का, देखिए ये अपना डोली को लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह। अगर नेट ना हो ना तो इंसान अंदर ही खो जाए। 843 एकड़ का ये पार्क जो है, अंदर ही खो जाए इंसान। बोटिंग का मजा ले रहे हैं सब लोग, देखिए आपको बताया अभी कि टर्टल भी बहुत सारे हैं इस पार्क में। आइए आपको और कुछ ही और अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊं मैं सेंट्रल पार्क में। ये देखें
एक स्टेज बना हुआ है खूबसूरत सा, जहाँ और ये स्पेस है यहाँ बेड के, चाहे चेयर डाल दें या ये बेजेस लगे हुए कोने पे, तो आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ कर सकते हैं अपना। ये बेजेस भी देखें कितना खूबसूरत लगे हुए हैं, और इसके बैक साइड पे भी डोर है, तो वहाँ आर्टिस्ट वगैरह जो भी फनकार होंगे वो अपना मेकअप वगैरह जो भी है वो बैक साइड पे उनका अरेंजमेंट है। देखिए खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे, बेहतरीन जगह पे, साफ सुथरी जगह पे यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत देखने सी जगह है, इसके ऊपर जाती है सीढ़ियाँ और ऊपर भी बैठक का अरेंजमेंट है। छोटी छोटी दावत भी कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा पार्क, देखिए यानी को हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, आप जिस तरफ जो चाहें मैप में आप देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बहुत अच्छी। ये जो है बिलवेडर कैसल के नाम से है जगह मशहूर, बिलवेडर कैसल। थॉमसन फैमिली फाउंडेशन बिल्ट 1872 और ये रिस्टोर्ड हुआ है 2019 में। देखने सी जगह है ये, मैं शेक्सपियर गार्डन की तरफ आ चुका हूँ। शेक्सपियर से ज़्यादा मोहब्बत की वजह ये है कि कराची में मैंने भी बेशुमार ड्रामे किए हैं, जिसमें मोइन अख्तर, उमा शरीफ, फुरकान भाई जो इस वक्त शिकागो में, उन्होंने भी मेरे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं। तो रिश्ता दरकार है फंस गए ससुराल में, और गुजराती भी प्ले किए हैं बहुत सारे, मैंने लिखे भी हैं काफ़ी, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि ये शेक्सपियर पार्क की विज़िट ज़रूर की जाए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी पहुंचा हूं तो शायद बंद भी हो गया है। और देखें ये फ्री शेक्सपियर इन द पार्क, ये पूरा शेक्सपियर का है, और यहाँ ड्रामे फ्री होते हैं, फ्री दिखाए जाते हैं शेक्सपियर के ड्रामे। लेट पहुंचाऊं छोटे छोटे रेस्टोरेंट और स्टॉल बने हुए हैं यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें,
देखने के काबिल है हर जगह। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम भी हो रहा है, हो सकता है बारिश का भी इम्कान है शायद। आइए ऊपर चढ़ते हैं। ब्रिज तो माशाल्लाह यहाँ पे आपको जगह जगह मिलेंगे ब्रिज। ये देखें ऊपर से भी लोग आए जा रहे हैं और ये सामने प्ले एरिया बच्चों का भी है। हरियाली हरियाली, खूबसूरती और बहुत पीसफुल माहौल है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन माहौल है माशाल्लाह। यहाँ मैराथन में इंसान आए, न्यूयॉर्क आए और ये सेंट्रल पार्क ना देखे तो समझ लो ज़्यादती होगी एक तरह से। अमेरिका के दिगर स्टेट से और आने वाले लोग भी यहाँ आ सकते हैं। अमेरिका यहाँ न्यूयॉर्क में तो बेशुमार रेजिडेंशियल होटल हैं, दो कमरे का, दो बेड का। सो मैं जो है ना इस वक्त सेंट्रल पार्क में शेक्सपियर गार्डन जाना चाहता हूँ देखने, तो शेक्सपियर गार्डन के लिए मैंने ये गूगल का मैप जो है ना उस पर डाल दिया है गार्डन को, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वक्त। ये मुझे इंडिकेट कर रहा है रास्ते, तो मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा। अभी मैं चाहता हूँ कि शाम होने लगी है तो आखिरी जगह शेक्सपियर गार्डन भी देख लिया जाए। मेरी पसंदीदा शख्सियत, बहुत बड़ा नाम ड्रामे की दुनिया में, इससे बड़ा नाम कोई नहीं है, आप सब जानते हैं। वहाँ शेक्सपियर साहब के ड्रामे दिखाए जाते हैं, स्टेज किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्योंकि मेरा तो अभी कोई ड्रामे देखने का मूड नहीं है, इसलिए कि शाम होने लगी है और घर भी जाना है। ये न्यूयॉर्क है, मेरी रिहाइश तो न्यू जर्सी में है। अब रात होने लगी है तो अब घर की तरफ चलते हैं। सामने पे 79 स्ट्रीट से बाहर आया हूँ। 59 स्ट्रीट से शुरू होता है पार्क और 110 तक जाता है, इतना लंबा है, मगर मैं 79 तक देख सका हूँ। वो भी जगह है
अब ये सब वे जो है अंडरग्राउंड रेलवे है यहाँ पे, वहाँ जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन ऐसी Thank you.